हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं देवपानी मंदिर में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का खासियत क्या है और यहाँ लोग आते हैं तो उनको मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये है देवपानी मंदिर का ये बरगद का पेड़। इतना विशाल बरगद का पेड़ है जिसे आप देख करके खुश हो जाएंगे। और ये जो लाल लाल आपको रिबन दिखाई दे रहा है पट्टी, इसका मतलब ये है अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप इस रिबन को इस धागे में बांध सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तो किसी एक रिबन को आकर के दूसरे साल आप खोल सकते हैं। खोल देने का अर्थ है कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ का मंदिर, देखिए किस प्रकार से लोग अपना मनोकामना मांग रहे हैं। माता दुर्गा का मंदिर है ये, और इन्होंने भी आकर के अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए रिबन बांधे हैं। भाई साहब, आपका घर कहाँ है? दोयंग। दोयंग से आप आए हैं। और आप यहाँ क्या कुछ मनोकामना लेकर के आए हैं? अच्छा, तो क्या आप जानते हैं यहाँ का कितना पुराना मंदिर है? पुराना मंदिर तो बहुत, कितना स्लो तो मुझे पता नहीं है। बहुत पुराना मंदिर है, इनको पता नहीं है कितना साल पुराना है। हालांकि ये दो तीन बार आए हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर दिया जलाया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए, ये भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ कराने वाले हैं और क्या इनका नाम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, और कहाँ से आए हैं आप? यूपी। यूपी से आप यहाँ देवपानी मंदिर में आए हैं। तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ आपका मनोकामना होगा। तो देखिए, इनका कुछ मनोकामना है जो कि वो बताना नहीं चाहते हैं। जो कि मनोकामना आपका मन में है तो उस मनोकामना को किसी को बताना नहीं है। आप सीधे रिबन बांध करके माता रानी से कह देना है कि हाँ, हमारे ये मनोकामना है। और जैसे ही आपका मनोकामना पूर्ण होगा तो इतना रिबन दिखाई दे रहा है, ये इतना पट्टी दिखाई दे रहा है, इसमें तो आपका जो पट्टी है उसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इसे किसी भी एक पट्टी को खोल देंगे तो आपका हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ का मंदिर का जो माता रानी का मंदिर है, जो मूर्तियाँ हैं उसको दिखाना कैमरे में अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कैमरा को अंदर नहीं लेकर जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, ये है माता रानी का मंदिर, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो है उनका दरबार। देख सकते हैं, शिव जी का मंदिर है। और बाबा बैठे हुए हैं, वही वहाँ पर पूजा करते हैं।